मध्य प्रदेश के सागर में जर्जर भवन की दीवार गिरने से बच्चों की मौत की दुखद घटना के बाद मोहन सरकार के द्वारा प्रदेश भर में जर्जर भवनों को जमींदोज करने की मुहिम छेड़ रखी है। उसी के तहत बालाघाट में भी उसका असर देखने को मिला है और प्रशासन के द्वारा नगर के हनुमान चौक में स्थित 60 वर्ष पुराने जायसवाल भवन को जर्जर मानते हुए बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। इसी बीच एक दुकानदार की पुलिस से झड़प हो गई, जिसे व्यवधान उत्पन्न किए जाने पर पुलिस थाने ले गई। बाकी कार्रवाई सुरक्षात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही। बालाघाट शहर में 7 भवनों को जर्जर की श्रेणी में चिन्हांकित किया गया है, जिसमें एक भवन के संबंध में पूर्व में ही कार्रवाई की जा चुकी है। ओ मेटल्स द्वारा स्वयं के स्तर से अपने भवन को ध्वस्त कर लिया गया है एवं अधिकांश भाग को हटा भी दिया गया है। तीसरा जो हमारे पीछे जायसवाल भवन के नाम से इमारत स्थापित है, उसके जर्जर होने के कारण नगरपालिका से विधिवत उन्हें नोटिस वगैरह सर्व कराए गए थे। शनिवार को पुनः प्रशासन के द्वारा इन्हें खाली कराया गया। वर्तमान में आज सोमवार को इसको जर्जर की श्रेणी में होने के कारण गिराने की कार्रवाई की जा रही है। सर, विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी कुछ समय के लिए जी, यहाँ पे अतिक्रमण मतलब तोड़ रहे थे जर्जर भवन, तब विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी, क्या वजह थी इसका? शासकीय कार्य में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो वैधानिक कार्रवाइयाँ उस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई की जाती है। सर, जो बिल्डिंग में संचालित एक होटल है पवन होटल का, उसने एक स्टे का स्टे लाया है 16 तारीख तक का, तो उसमें क्या कुछ तत्संबंध में CMO से जानकारी ली गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि पवन होटल्स के द्वारा स्टे प्राप्त किया गया है, तो जिस तारीख तक स्टे दिया गया है तब तक पवन होटल्स पे फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि राजस्व पुलिस और नगर पालिका बालाघाट की संयुक्त कार्रवाई हो रही है। शनिवार को भी इसी तरह दलबल के साथ अमला सड़क पर कार्रवाई करने के लिए उतरा था, किंतु भवन के दुकानदार एवं किरायेदारों के द्वारा सामान खाली न किए जाने की स्थिति में कार्रवाई आधी अधूरी ही छोड़नी पड़ी थी। प्रशासन ने तय किया कि स्टे आर्डर पर पवन होटल को छोड़कर सभी 6 दुकानों को गिराया जाएगा और बाकी इसी गर्ज से 12 अगस्त को प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ सुबह मौका स्थल पर पहुंच गया। अधिकारियों की माने तो शहर के जायसवाल भवन के अलावा और 5 भवन ऐसे हैं जिन पर भी सख्ती से कार्रवाई करते हुए इसे गिराया जाएगा। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।